और पिछले 16 साल से कई साल से इनको कर रहा हूँ। अगर 16 साल से पहले की बात करें तो यही बनारस में कुछ मैंने पढ़ा है, यही से बीएससी किया, यही से एससी कर रहा था। उसी दौरान मेरी नौकरी लगती है, दिल्ली एयरपोर्ट में जेडर की नौकरी कर रहा था। इसी दौरान ये व्यापार मेरे घर में चल के आया था। करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि इस बिजनेस को हम शुरू से ही अच्छा नहीं मान लेते। एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं एक अच्छी जगह नौकरी करता था। मुझे लगता था कि ऐसे मुझे करने क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट से मैं बहुत दूर भागता था। मुझे नहीं लगता था कि ये काम अच्छे लोग करते हैं। एक ही बात पता चलता था कि ये काम वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। लेकिन भाइयों के प्रयास की वजह से मैं इस बिजनेस में आया, जबरदस्ती ही सही आया। और आने के बाद मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया बिना रुके, बिना थके, बिना भटके। 16 साल आज इस बिजनेस में हो गए। लेकिन अगर बात करें तो मेरी जिंदगी की शुरुआत उस सेमिनार से हुई थी, जिस सेमिनार में आज हम लोगों के बीच में आदरणीय दिनेश चौधरी जी सेमिनार का इतना ज्यादा भाई लोगों ने हमें प्रमोशन किया था कि कैसे व्यक्ति जो हाई स्कूल में 4 साल, कितने साल, 4 साल, और ये व्यक्ति 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बनारस से आ रहे हैं पहली बार। तो मैं सोचा कि बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन मिला 15,000 की नौकरी। अरे चल के देख लेते हैं कि कैसा आदमी है जो हाई स्कूल में 4 साल फेल, उसके बाद 5 लाख की इनकम आती है। मैं उस प्रोग्राम में आया था मॉर्निंग में, गाँव से 50 किलोमीटर दूर मॉर्निंग में प्रोग्राम को अटेंड करने आया था। मई जून के महीने का समय था, फर्स्ट सेशन का टिकट नहीं मिला, धूप में मैं बैठा था। सेकेंड सेशन में टिकट मिला तो सारे लोग अंदर चले गए, उसके बाद सबसे पीछे मैं खड़ा था। जितने चालाक होते हैं ना सब पीछे खड़े होते, मानते कि नहीं मानते। yes! प्रोग्राम ने मुझे आग लगा दिया, ये अब भीड़ में पीछे खड़ा नहीं रहना है बल्कि उस स्टेज पर सबसे आगे खड़ा करना है जहाँ लोग। कितने लोगों की जिंदगी बदली है और ये बनारस में अगर ये माहौल देखते हैं, इस माहौल का सबसे बड़ा कारण हमारे बीच में आदरणीय दिनेश चौधरी जी। एक बार शानदार तालियों से सबसे पहले उनकी शानदार तालियों से स्वागत कीजिए। बस कहते हैं कि दिल थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए, वो मोमेंटम उस क्षण आने वाला है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज बदलने वाली है। बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ये बदलने की तब जब डिसीजन आप लेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? आज वो दौर होगा जहां से बहुत सारे लोग टेक्निकल इमरान और स्टार इमरान निकलने वाले हैं, राइट? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बर्मा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनना है बहुत बड़ी कला है, बिना सवाल लिया है, बिना क्यों फिर से बोल दीजिए, सुनना है बहुत बड़ी मैडम नहीं बोली, मिसा जी नहीं बोली, हम बोले ना बोले बोले ध्यान वहां नहीं जाएगा कि आज आज बहुत सारे लोगों की तकदीर बदलने वाली है, नसीब बदलने वाली है, किस्मत चमकने वाली है।
बस अगले दो घंटा सर की बातों को आप गौर से सुनिएगा, बस आवाज ना करेंगे प्लीज, अभी भी आवाज आ रही है। भाई साहब हाँ देखिए वहीं पर आनंद सर क्या उनसे आवाज आ रहा है, कोशिश है ध्यान करो वहीं पर आएगा ध्यान करवा जाएगी और नाम सबको जानते हैं नाम लेके पुकारेंगे, पहला नंबर निशा में दूसरा है आनंद सर, तो गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी